अब सबके गिरीश होना बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए कैसे लग रहे हैं वो। राधे राधे, आप सभी को महाअष्टमी की, महादुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन। अभी हमारे सारे बच्चे चले गए हैं दुर्गा मंडप में, बस हम ही बाकी हैं, तो हम भी जा रहे हैं दुर्गा मंडप। तो चलिए आप भी हमारे साथ ये ब्लॉग एंजॉय कीजिए और आज देखिए महादुर्गा अष्टमी। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमारा अष्टमी का पूजा बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। अष्टमी का पूजा बहुत सुबह सुबह ही होता है और इस साल भी अष्टमी का पूजा बहुत सुबह सुबह ही हो रहा है। यहाँ गौरी अपनी दादी के पास है और अपने भैया के साथ खेल रही है। तो देखिए क्या हाल बना कर रखा है उसने अपना, क्योंकि गौरी को सजना धजना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, कभी भी सजना ही नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। बड़ी होगी तो क्या होगा पता नहीं। तो यहाँ देखिए गिरीशोना भी आ गए हैं मंडप में और हम गिरीशोना को अब ठाकुर जी मतलब माता रानी अपने बहन के पास बिठा देंगे और यहाँ गिरीशोना का भी पूजा होगा। मतलब ठाकुर जी हमारे जो पंडित जी हैं वो खुद ही बुलाते हैं गिरी को पूजा के लिए। तो चलिए यहाँ देखिए मंडप में हमने गिरीशोना को और जितने सारे लड्डू गोपाल जी आए हैं सबको बिठा दिया है। यहाँ पर अब अंजलि हो रहा है। यहाँ सब कुछ ख़त्म होने के बाद हम सब लोग घर पे सब लोग मिलकर जाएंगे माता रानी का दर्शन करने। तो चलिए, ये देखिए गौरी कितना ज़्यादा बदमाशी कर रही थी, यहाँ हमें प्रसाद भी मिल गया है और सब हम सब मिलकर जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने। गौरी अपने दादू के पास है। तो देखिए सब लोग एक साथ मिलकर जा रहे हैं तो मज़ा भी बहुत आ रहा था और हमने बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया। तो चलिए एक एक करके हम सब अपने साथ साथ आप लोगों को भी माता रानी का दर्शन कराते हैं और इसके साथ आप सब लोगों को सॉरी भी कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा गला का बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग गया और गला बिल्कुल बैठ चुका है। तो ये देखिए हमारी यहाँ माता रानी, ऐसे ही हम बहुत सारे माता रानी को एक साथ दर्शन करने वाले हैं। यहाँ और एक माता रानी, हर साल अष्टमी के दिन ही हम माता रानी का दर्शन करने जाते हैं, तो आज भी हम माता रानी का दर्शन करने आ गए हैं। तो यहाँ देखिए, ये माता रानी को हमने आपको पिछले साल भी दर्शन कराया था और इस साल भी ज़रूर कराएंगे। तो ये माता रानी बहुत ज़्यादा ही जागृत है। ये एक ही मंडप में तीन रूप में माता रानी का पूजा किया जाता है। तो ये देखिए हमारी माता रानी कितनी प्यारी सी लग रही है। यहाँ एक ही मंडप में तीन दुर्गा माता का पूजा किया जा रहा है तीन रूप में। और हमारी ये दुर्गा मैया बहुत ज़्यादा ही भोली भाली है और बहुत ज़्यादा ही जागृत है। अगर आपको कोई भी मनोकामना इनसे मांगना है तो आप मांग सकते हैं, ये बहुत जागृत है और हमेशा हर किसी का मनोकामना ये पूरा करती है। इसीलिए इन्हें बहुत ही प्रेम से और अच्छे से, इसीलिए भक्ति भर के इस माता रानी को आप प्रणाम कर लीजिए। और यहाँ देखिए रिमू अपने दोनों भाई बहन को कैसे संभाल रही है, देखते देखते रिमू भी बहुत बड़ी हो गई है। ये माता को दर्शन करने के बाद हम जाएंगे हमारी बड़ी बुआ जी के घर। तो यहाँ रिमू बहुत ज़्यादा ही थक गई थी तो हमने गिरी को ले लिया अपने गोदी में। और यहाँ देखिए गौरी कैसे खेल रही है। तो चलिए यहाँ का दर्शन हो गया। देखिए सब लोग मिलकर यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि अष्टमी के दिन बहुत ज़्यादा ही गर्मी था। यहाँ रिमू, गिरी, गौरी सब लोग बहुत खेल रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे बड़े बुआ जी के घर। तो चलिए चलते हैं। बाहर आते ही हमने देखा यहाँ कुछ मेला भी है, लेने का बहुत मन था लेकिन टाइम बहुत कम था, इसीलिए पापा ने कहा काली पूजा का जब मेला होगा तो आप वहीं पर ले लेना, अभी आप जल्दी जल्दी चलो क्योंकि दर्शन करना है। हो गया हमारा मंदिर दर्शन करना, अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कहां जाते हैं, कितने दूर तक। यहां आ गए हैं हम बड़े बुआ जी के घर। यहां हम मिठाई वगैरह खा रहे थे क्योंकि बड़े बुआ जी ने हमारे लिए मिठाई सब छोड़ा था। तो चलिए अब मंडप में चलते हैं। तो ये देखिए हम मंडप में आ गए हैं।
आज रात को 12 बजे ही अष्टमी का संधि पूजा होने वाला है, इसीलिए संधि के लिए सब लोग अपना अपना भोग वगैरह माता रानी के लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि रात को 12 बजे संधि पूजा है। पापा यहाँ गौरी को लेकर खड़े हैं और हमारा ये माता रानी भी दर्शन करना हो गया, तो अब हम गाड़ी में जाएंगे और यहाँ और एक माता रानी होता है उसे भी दर्शन करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे घर वापस। यहाँ रिमू अपने भैया के साथ बैठकर बातें कर रही थी और देखिए अब हम जा रहे हैं घर वापस, तो चलिए चलते हैं। वैसे घर जाते वक्त हम और भी माता रानी को दर्शन करने वाले हैं, उन्हें दर्शन करने के बाद आज हम रात को फिर संधि पूजा देखने के लिए भी जाएंगे। यहाँ पर हम और एक माता रानी को दर्शन करने आ गए जो कि हमारी बुआ जी के यहाँ पर ही बनता है, और देखिए माता रानी कितनी प्यारी सी है। वैसे शायद आप सबको पता ही होगा बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा एक उत्सव है, इसीलिए हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल। तो चलिए चलते हैं अब। गिरी को ये देखिए, आज फिर से हमारा गाड़ी खराब हो गया, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा। तो अभी हम खड़े हैं, लेकिन जहाँ पर खड़े हैं ये जगह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर हम खड़े हैं, कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट होगा, देखते हैं क्या होता है। गिरी गौरी सब लोग सो गए हैं। ये देखिए यहाँ गौरी भी सो गई है। ए, 5 मिनट में हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया। अब हम जाने वाले हैं ठाकुर जी का दर्शन करने, तो चलिए चलते हैं माता रानी का दर्शन करने चलते हैं। दुर्गा माँ, दुर्गा माता की जय। देखो चलो, ये मेन रोड है, 34 नंबर हाईवे, नेशनल हाईवे। अब हम आ गए हैं पोलसंडा और यहाँ बहुत ही सुंदर से भगवान होता है, तो चलो देखते हैं। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं पोलसंडा, यहाँ पर बहुत ही सुंदर से मंडप बनता है और माता रानी का तो जवाब ही नहीं है। माता रानी बहुत ही सुंदर सी बनती है, आप दर्शन करोगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे, तो चलिए आप सबको दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए माता रानी कितनी प्यारी सी है और इनका श्रृंगार इतना सुंदर है, इतना सुंदर है क्या बताएं। आप सब लोग देखकर ही समझ सकते हैं कितनी सुंदर है हमारी माता रानी, और यहाँ का मंडप जो बनाते हैं वो और भी ज़्यादा सुंदर है। देखिए कितना सुंदर सा मंडप है। तो चलिए यहाँ गौरी का नींद टूट गया, अब पापा उसे माता रानी के पास लेकर जा रहे हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद हम अब आ गए हैं हमारी बड़ी मम्मा के पापा के घर। यहाँ भी ठाकुर जी होते हैं, मतलब माता रानी होती है, तो यहाँ भी हम आपको माता रानी का दर्शन कराते हैं। तो चलिए ये देखिए गौरी यहाँ मंडप में ही खेल रही थी, मतलब यहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना बज रहा था, तो गौरी बहुत ज़्यादा ही नाच रही थी और उसे माता रानी बहुत अच्छी लगी। तो देखिए, और ये औरिक है, ये भी हमारी बड़ी मम्मा के वहाँ ही होती है, मतलब यहाँ दो माता रानी का पूजा होता है। तो चलिए यहाँ हमारा दर्शन हो गया, अब रास्ते में जाते जाते और एक, ये देखिए और एक माता रानी जिनका दर्शन आप अभी कर रहे हो, ये भी बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा करके ही दुर्गा पूजा होता है, अगर कभी भी आपको मौका मिले तो दुर्गा पूजा के समय ज़रूर आइए हमारे यहाँ घूम। हम आ गए हैं घर वापस, और घर वापस आने के बाद हमने गिरी को गौरी को सबको फ्रेश कर दिया और खाना भी खिला दिया, और जैसा कि आप देख रहे हैं गिरी सोना बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं संधि पूजा देखने, और वो संधि पूजा हम देखने वाले हैं जगदाम्बा में, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 11:29 हो रहा है अभी रात को, तो आज 12 बजे ही संधि पूजा है, रात का 12 बजे। तो देखिए कितना अंधेरा है बाहर, तो रात के 12 बजे ही संधि पूजा है, इसीलिए हम संधि पूजा देखने को जा रहे हैं। यहाँ हमने गिरी को भी रेडी कर लिया है,
अब हम सब लोग मिलकर संधि पूजा देखने जाते हैं। वैसे पूजा बस शुरू ही होने वाला है, तो चलिए सब लोग चलते हैं। ये देखिए, हम दोनों माँ बेटे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं संधि पूजा देखने इतनी रात को। तो चलिए देखते कितना मज़ा आता है, चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, संधि पूजा यहाँ स्टार्ट हो गया है। संधि पूजा के लिए यहाँ 108 दिया और 108 कमल का फूल लगता है और 108 यहाँ और एक दिया को भी रेडी किया गया है। तो देखिए, यहाँ दोनों 108 दिया और यहाँ 108 कमल का फूल, जो कि संधि पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना हो तो कभी भी पूजा संपूर्ण नहीं होता। तो यहाँ संधि पूजा आरंभ होने वाला है, लेकिन हम यहाँ पूजा नहीं देखेंगे। हम आज जाएंगे जगदम्बा के वहाँ, क्योंकि बहुत दिनों से मन में इच्छा है कि संधि पूजा हम जगदम्बा में ही देखेंगे। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि जगदम्बा में पूजा थोड़ा अलग तरीके से होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए हम सब मिलकर जाएंगे वहाँ पर पूजा देखने, तो आप सबको भी मिलाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ हम रास्ते में जा रहे थे और कितना रात हो गया है देखिए, वहाँ पर जाकर आप सबसे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं अब। यहाँ पर हम पूजा देखने आ गए हैं और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। इतना रात है, 12:30 बज रहा है रात का, लेकिन भीड़ कितना ज़्यादा है आप देखकर समझ सकते हैं संधि पूजा सबके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन दिन में होता है तो हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिलता, लेकिन रात में हो रहा है इसीलिए थोड़ा बहुत जगह मिल। हमारे यहाँ माँ जगदम्बा बहुत ज़्यादा ही जागृत है, इसीलिए इनका पूजा थोड़ा अलग तरीके से ही होता है। अभी आरती हो रहा है, आरती खत्म होने के बाद ही संधि पूजा खत्म हो जाएगा। गिरी को यहाँ सब लोग गोदी में ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहे हैं। गिरी तो बहुत खुश है, अभी सबके गोदी में गोदी जो मिल गया। तो देखिए, ढेर सारा प्यार मिलने के बाद गिरिशोना आ गए हैं घर वापस, और आज गिरिशोना बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं। तो चलिए गिरी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गौरी भी सो गई है, गिरी को भी सुला देते हैं। आप सबको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो ज़्यादा करके शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग बंगाल का दुर्गा पूजा अच्छे से देख पाए। तो चलिए गिरिशोना को थोड़ा हाथ पैर दबा देते हैं, क्योंकि गिरिशोना बहुत ही रात तक आज जगे हुए थे और बहुत थक भी गए हैं। तो चलिए और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गिरी को सोने देते हैं और आप सब भी सो जाइए और हमेशा खुश रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।